ये ब्रेन ट्यूमर के लिए ये जो मुझे डॉक्टरों ने बोला कि इसका सिर्फ सर्जरी ही है, हम सर्जरी कराए, अब बोलते हैं कि वो आधा से ज़्यादा आँख के पीछे रह गया है, अब आपको जो है रेडिएशन कराना है। अब रेडिएशन मेरी हिम्मत नहीं हो गुरुजी, फिर मेरे आपके रिपोर्ट कार्ड में सबसे ऊपर वही लिखा है ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ, सबसे ऊपर वही लिखा है जो आप सर सानी सर आप बैठे हुए हैं। क्या लिखा है? ब्रेन ट्यूमर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियाँ, ठीक, और मल्टीपल है ट्यूमर्स का। तो अब स्मृतियों का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट होंगे, चाहे जितना सर्जरी कराओ वो बार बार बनते जाएंगे, बार बार बनते जाएंगे, बार बार बने, जितनी बार सर्जरी कराएंगे फिर बनेंगे। ओम ओम। हाँ बेटा, प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा, प्रसन्न है, स्वस्थ रहे गुरुजी। हम इंदौर से आए हैं, पीएनए में चार लोग हैं, मैं, पत्नी, बेटी और बेटा। बेटी अभी कॉलेज में है, वो हॉस्टल में जो है। अच्छा, कोई बात नहीं, चार लोग हैं डीएनए में। हाँ, खुश। देखिए, आपके कष्ट तमाम और बेटे के भी थे, ये सब नष्ट हुए, खुश। ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियां थी, चीजों को भुलाने वाली स्मृतियां थी, आलस्य बना करके रखने वाली स्मृतियां थी, मस्तिष्क सुन कर देने वाली स्मृतियां थी, लीवर में सूजन था, गॉल ब्लेडर में घाव बन रहा था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, सांस लेने में भारीपन महसूस होता था, उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियां थी, भयभीत करने वाली स्मृतियां थी, एनेमिया की स्मृतियां थी, खून कम बनना, वीरनाश कराने वाली स्मृतियां थी, रेक्टम में सूजन व इन्फेक्शन, बोन मैरो दूषित था, यूरेथ्रा में सूजन, श्वास घुटन की स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी और घुटनों के लिगामेंट ढीले होते जा रहे थे, कैंसर की स्मृतियां थी, अंडकोष में, प्रोस्टेट में, लीवर में, लंग्स में, गले में और रक्त में। हार्ट अटैक की स्मृति थी, हार्ट का वॉल्व सिकुड़ रहा था, हार्ट में सूजन आ रही थी, हार्ट फेल की स्मृतियां थी, चलते चलते अचानक से हृदय गति रुक जाती थी। किडनी में सूजन आ रही थी, पेशाब में जलन होती थी, पेशाब रुक रुक कर आता था और यूरेटर नली बंद हो रही थी सूजन के कारण। ये सब था, ये सब नष्टीकरण हुआ। अब अच्छा अच्छा है, कल एक महाहवन कर लो, उसमें बहुत भटक, ताकि असाध्य स्मृतियां भी नष्ट हो जाए। गुरु जी बहुत भटक के हम पहुंचे, हमारे लिए जो है ये 2.5 साल बहुत मुश्किल से कटा है। आज मेरे मित्र जो है, मैं उनको बहुत सराहना देता हूँ सर, गुरुजी, वो हमारे साथ यहाँ आए हुए हमको लेकर के 4 दिन से जो है, मतलब ये ब्रेन ट्यूमर के लिए ये जो मुझे डॉक्टरों ने बोला कि इसका सिर्फ सर्जरी ही है, हम सर्जरी कराए, अब बोलते हैं कि वो आधा से ज़्यादा आँख के पीछे रह गया है, अब आपको जो है रेडिएशन कराना है। अब रेडिएशन मेरी हिम्मत नहीं हो गुरुजी, फिर मेरे आपके रिपोर्ट कार्ड में सबसे ऊपर वही लिखा है ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियां, सबसे ऊपर वही लिखा है जो आप सर सानी सर आप बैठे हुए हैं। क्या लिखा है? ब्रेन ट्यूमर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियां, ठीक, और मल्टीपल है ट्यूमर्स का। तो अब स्मृतियों का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट होंगे, चाहे जितना सर्जरी कराओ वो बार बार बनते जाएंगे, बार बार बनते जाएंगे, बार बार बने, जितनी बार सर्जरी कराएंगे फिर बनेंगे। जैसे पथरी आप निकलवाते फिर पथरी बन जाती है ना, तो स्मृतियों कारण ही बनती है। तो स्मृतियां नष्ट हो तो रिपीट नहीं हो, बस गुरुजी यही आशीर्वाद दीजिए, हम दरबार से जुड़े और लेपन जारी रखिएगा, लेपन अपना जारी रखिएगा, ठीक है? ठीक है, खुश। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो हीरो, कैसे हो? अच्छा हूं।
अब वही स्मृतियां इसमें थी, सेम ट्यूमर्स की, सेम। अभी प्राइमरी स्टेज पे था, लेकिन अब ये है कि ये रिकवर हो जाएंगे, है ना। पढ़ने का मन अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। मोबाइल देखने का नहीं। अच्छा है, खूब पढ़ाई करिए और खूब अच्छे अच्छे नंबर लाइए। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं। कोई भय तो नहीं? नहीं। खूब खुश हो, प्रसन्न हो, खूब खुश हो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, खूब खुश हो। देखो आपके भी तमाम बिटिया के भी कष्ट जो नष्ट हुए। आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, एक्जिमा की स्मृतियां थी, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी, अर्थराइटिस पेन था, जोर जोर में दर्द, घुटनों में दर्द व सूजन था, स्पाइन कमजोर हो रही थी, प्राइवेट इन्फेक्शन था, ओवरी में सड़न हो रही थी, यूट्रस में घाव और फाइब्रॉइड्स की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, मतलब आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, कमर में दर्द होता था, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, चेस्ट में पेन व गांठों की स्मृतियां थी, अपच की स्मृतियां थी, नोजिया की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, मुख में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, कैंसर की स्मृतियां थी, गले में, ओवरी में, चेस्ट में, अमाशय में और स्पाइनल कॉर्ड में। इतने कष्ट आ रहे थे, अभी सब नष्ट हुए, लेकिन कुछ असाध्य हैं तो कल एक महावन दरबार की ओर से कराया जाता है निःशुल्क, उसे कर लीजिएगा, ठीक है। तीनों लोग संकल्प में आप लोग रहेंगे, और आपके चूंकि स्वेलिंग ज्यादा है, ध्यान रखिएगा लेपन नियम से करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, थोड़ी नहीं, क्योंकि सर्जरी जो है वो ठीक से हुई नहीं है, गलत सर्जरी हुई है पहली बात, इसीलिए आंखों तक फैल रहा था, आप तो दरबार आ गए, नहीं धीरे धीरे मस्तिष्क से लेकर के आपकी आंखों तक फैलने लग गया था सब इन्फेक्शन। गुरु जी ये दिखाई भी डबल ट्रिपल ऐसे देता है मुझे, मतलब बाइक वाइक ये सब कुछ भी चलाने में बहुत दिक्कत भी होती है। कोई बात नहीं, लेपन करिए, सूजन बहुत ज्यादा। अच्छा, कुछ और सेकेंड ओपिनियन हमेशा लिया करो, कहीं डॉक्टर पे जाओ, कुछ भी करो तो एक सेकेंड ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से जरूर, किसी एक के भरोसे कभी नहीं रहना है, ये ध्यान। गुरुजी मैं सर्जरी के पहले 3 ओपिनियन लिया था, इसके बाद मैं इंदौर में रहता हूँ, मैं जसलोक हॉस्पिटल मुंबई जाके करवाया था गुरुजी, उन्होंने बोला था कि जो है मतलब थोड़ा बहुत बचेगा, बाकी सब निकल जाएगा, लेकिन अब जब सर्जरी के बाद जो है 2 महीने बाद MRI कराया तो उसमें बोले कि आधे से ज़्यादा बचा हुआ है, और मेरी परेशानी देखने की, पलक खुलने की और ये पुतली के मोमेंट का, ये सब जैसे का वैसे ही है, और कंटिन्यूअस पेन भी अब बना रहता है। क्या फायदा हुआ सर्जरी का, क्या फायदा हुआ, वही हम कह रहे हैं कि गलत सर्जरी हुई, मैंने बोला ना अभी रहे थे गुरुजी, अभी बोला ना हमने कि गलत सर्जरी हुई, सर्जरी ही गलत हुई, ये जितना भी न्यूरो की है, जितना भी सर्जरी वर्जरी करते हैं सब फेक फर्जी, इन्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में, ब्रेन के ये खाम खाम है, ड्रामा नाटक करके आदमी के जीवन से छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। जितनी सर्जरी आप दूसरे चेकअप कराएं, देखो निकला आपको गलत सर्जरी हो गई, है ना, तो इसलिए अपना ओपिनियन जरूर लेना चाहिए सेकेंड। गुरु जी मेरी मति भ्रष्ट थी, मेरे मित्र जो अभी मुझे लेके आए, ये सर्जरी के पहले भी बोले थे कि आप वहाँ चलिए, आपको किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। बेटा आंखें बंद करो आप, ओ मेधा सागर की आंखें बंद रखो, मेधा सागर यहाँ की सूजन हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, शुद्धि सूजन हटा के मेरा मस्तिष्क और शरीर संतुलित कर दिया, बैलेंस, पीछे के सभी बेहोश शरीर सब होश में रखे जाए, प्रहार होश में लाए जाए, प्रहार 3 बार गहरी गहरी सांस लेके छोड़िए, ये
तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः। आंख खोल के अपना बंधन खींचिए। अब चलिए फिर ये जरा मूवमेंट करिए। जैसे आप में एक प्रॉब्लम आ गई थी कि आप दूरी का अंदाजा लगाने में भ्रमित हो जाते थे, है ना? दूरी कितनी है ये अंदाजा लगाने में भ्रमित हो जाते, जैसे नाली पार करनी है तो आपको पता नहीं लगता था नाली कितनी चौड़ी है ना, एक बार पार हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, जैसे इस प्रकार की चीजें। नाली का ही नहीं गुरु जी, ये नीचे जैसे ऊपर नीचे छोटी सी भी सीढ़ी है तो उतरने में मैं वही कह रहे हैं, दूरी का अंदाजा आपका भ्रमित हो गया, पहली चीज तो ये हुई। और सब कभी कभी हिलता हुआ नजर आता था चलते हुए कि हिल रहा है, एक जगह रुक नहीं रहा है, ठीक ये सब था। और कभी कभी ऐसा लगता था कि आप जमीन में हो ही नहीं, हवा में पैर चल रहे हैं आपके। तो अब आप चलिए फिर, ऐसा कुछ बचा तो नहीं? अब चलिए ये सब जो हो रहा था आपको चेक करिए, सब चेक करिए। ऐसा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है नहीं। ये सब डॉक्टर साहब के कमाल से जो दरबार ने हटाए हैं अभी, समझ गए? ये सब डॉक्टर साहब के कमाल थे जो कर दिया डॉक्टर साहब ने, सर्जरी के बाद नाटक खड़ा हो गया, सब नर्वस सिस्टम डैमेज किया उन्होंने। अब आपकी देखो आंख खुल गई, देखिए खुली आंख, थोड़ा काफी खुल गई। अब पुतली भी करने लगी मूवमेंट, कर रही है, शुरू कर दी मूवमेंट, पुतली ने भी मूवमेंट शुरू किया। अब आंख बहुत खुल गई पहले से, हाँ मूवमेंट कर रही है, हाँ पुतली मूवमेंट करने लग गई है, कोई बात नहीं। आप लेपन करें, स्वेलिंग और जाए, ठीक है, हाँ। और एक माह बाद हमको फिर मिलिएगा, ठीक है? खुश रहिए, खुश, खूब खुश हो, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, पूरे परिवार को ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, हम दरबार से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल, अपना महामृत्युंजय तत्काल कर लीजिएगा, डिले मत करिएगा, ठीक है? खुश हो, कल महावन करिए, दरबार की ओर से कराया जाता है जो निःशुल्क, पहले पहले वो करिए।